गाइस सोचो ये आपकी एप्लीकेशन है जिसमें कि क्लाइंट सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर डेटा सर्व कर रहा है यूजर्स को, सब कुछ ठीक है, बट गाइस तो ध्यान से देखो सिर्फ एक ही सर्वर है। अगर ये डाउन हो गया तो पूरी एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी, कोई उसको यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। या फिर सोचो अगर बहुत सारे यूजर्स आ गए, लाइक लैक्स ऑफ यूजर्स आ गए या फिर मिलियंस ऑफ यूजर्स अगर आ गए, तो क्या एक सर्वर तो उसको हैंडल कर पाएगा? नहीं, राइट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लाइक रैम, सीपीयू, ये सब लिमिटेड हैं, उस केस में प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। देखते हैं उसमें क्या होता है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मेरा क्या होगा कि एक की जगह तीन सर्वर लगा दिया मैंने, पहले एक था अब तीन सर्वर हो गए। नाउ जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर की हेल्प से, लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट मेरी आई है उसको राउट कर देगा वन ऑफ द सर्वर्स, जिस जो भी जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा लोड बैलेंस हो सके इवेंली सारे सर्वर पे। जैसे मान लो इस केस में इस पे भेजा है या फिर इन दोनों पर भी जा सकता है, किसी एक पर वो रिक्वेस्ट को राउट कर देगा और वो सर्वर उसको सर्व कर देगा।